दोस्तों, अगर आप अपने लिए LG की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे LG टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, कि आप कैसे कपड़े वॉश कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, जीन्स कैसे वॉश कर सकते हैं, ब्लैंकेट कैसे वॉश कर सकते हैं, और वॉशिंग मशीन को यूज़ करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये LG टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है, जहां पर आपको वॉशिंग मशीन के संबंधित सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जो मशीन है 7 kg का, तो 7 kg का जो मेजरमेंट है कंपनी का, कि इसमें ड्राई कपड़े आप 7 kg लोड कर सकते हैं, मतलब ड्राई कपड़े, ठीक है। दूसरा, क्लॉथ वाइज यदि, क्वांटिटी वाइज यदि आप इसको मेजर समझे, तो आप इसमें 7 जोड़ी क्लॉथ, मतलब इसमें 14 कपड़े एक साथ में फिल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है जो 14 कपड़े डाले आप, वो उसका वेट ज्यादा हो, क्योंकि हेवी कपड़े हो, तो फिर कंपनी ने एक सिंपल सा मेजरमेंट दिया है। यहाँ पे अंदर एक लेवल दिया हुआ है, ये जो लेवल है मैक्सिमम ड्राई कपड़े आप यहाँ तक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कपड़े की दो कैटेगरी से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक तो कपड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से, या आपको लग रहा है कि हेवी कपड़े क्वांटिटी ज्यादा है, तो एक ये जो लेवल दिया हुआ है मैक्सिमम लेवल यहाँ तक डालना है, क्योंकि वाटर लेवल वो यहाँ तक नहीं लेगी, वाटर लेवल यहाँ तक लेगी। आप यहाँ तक कपड़े फिल करेंगे तो कपड़े प्रॉपर क्लीन होंगे। कपड़ों की फुल लोड है, हाँ, एक प्रकार से वो मैक्सिमम लोड है, मतलब उसका। अब कपड़ों की रिक्वायरमेंट जो आपने डाली उसके हिसाब से जो डिटर्जेंट है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मतलब डिटर्जेंट अपन कपड़ों के हिसाब से डालें कि अपन फिल करके रख दें मशीन अपने आप? हाँ, नहीं, नॉर्मली क्या है, कोई भी मशीन ऑटोमेटिक डिटर्जेंट तो अंदर चले जाएगा, बट क्वांटिटी के हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा एवरी वॉश। अच्छा, ये नहीं कि आपने एक बार फिल कर दिया और वो ऑटोमेटिक। अब कंपनी का जो मेजरमेंट है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप सर्फ एक्सेल या एरियल का जो मेटिक यूज करते हैं उसके साथ एक स्पून आती है, तो आप चाहे तो फुल लोड यदि डालते हैं तो एक स्पून फिल कर सकते हैं। अपन ये डायरेक्टली उसमें भी डाल सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मली यहाँ पे डायरेक्टली डालना और यहाँ का डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वाटर आता है, हाँ, तो कपड़े प्रॉपर मिक्स होकर जाते हैं। अच्छा, अब डायरेक्टली डालेंगे तो हो सकता है किसी कपड़ों के साथ रह सकता है, और यहाँ पे डालेंगे तो प्रॉपर डाइल्यूट हो जाएगा। पाउडर और लिक्विड दोनों डाल सकते, आप लिक्विड यूज कर रहे हो चाहे ड्राई, वो आपको इसी में डालना, मतलब ठीक। डायरेक्ट डालने का मैंने आपको रीजन बता दिया, वो डायरेक्टली डालेंगे तो स्पेशल कपड़ों के साथ चिपक जाएगा, मतलब आपकी कंप्लेन रहेगी कि सर प्रॉपर नहीं निकल, ठीक है सर। अब आपने कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट डाल दिया, हार्ड रोलिंग डोर है, आपको सिर्फ छोड़ देना है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अब सेफ्टी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डोर को आपको प्रेस नहीं करना है, प्रेस करने से हार्ड रोलिंग पे लोड आता है, मतलब। अच्छा, क्लियर। ऊपर से ऑन करने के बाद में सबसे फर्स्ट आपको पावर ऑन करना है। अब जैसे आप पावर ऑन करेंगे तो डेली कपड़ों के लिए तो पावर और स्टार्ट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे सेट है, नॉर्मल मतलब डेली के मिक्स कपड़े, तो डेली के लिए बिल्कुल ईजी है पावर और स्टार्ट। आप पावर और स्टार्ट करेंगे तो मशीन 1 मिनट तक सेंस करती है कपड़ों का वेट, सेंस करने के बाद में ये वाटर लेवल एक जगह फिक्स हो जाएगा, देन टाइमिंग शो करेगी, जो भी टाइमिंग शो करेगी उसमें कपड़े वॉश, रिंस और ड्राई कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग भी सेट नहीं करना है और वाटर लेवल भी सेट नहीं करना है, क्योंकि मशीन सेल्फ कपड़ों के वेट के हिसाब से दोनों सेट कर लेगी। अब नॉर्मल में जी, आप जो पहले मशीन आती थी उसमें क्या वाटर लेवल भी सेट करना चाहते कर सकते थे, मतलब, बट ये सेंसर वाली है तो इसमें आपको सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये तो डेली कपड़ों के लिए हो गया, अब आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपने पावर ऑन किया, अब यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम 1 एंड प्रोग्राम 2, तो प्रोग्राम 1 में 4 प्रोग्राम है और प्रोग्राम 2 में 4 प्रोग्राम है, तो सबसे पहले आप प्रोग्राम 1 को प्रेस करेंगे तो फर्स्ट नॉर्मल हो गया, अगेन प्रेस करेंगे तो जेंटल वुलन क्लॉथ के लिए, यदि वुलन क्लॉथ है या साड़ी है जो डेलिकेट क्लॉथ है वो आप जेंटल में लगा सकते हैं। नेक्स्ट दिया क्यूक वॉश, कम क्वांटिटी या कम गंदे कपड़े, जहां पे आपको लग रहा है कि क्यूक कम टाइम में करना है तो उसके लिए कंपनी ने क्यूक प्रोग्राम बनाया है, जहां पे 23 मिनट में कम्प्लीट हो जाएगा। कंडीशन वही है कि कपड़े कम गंदे होना चाहिए और कपड़े क्वांटिटी कम होना चाहिए, रीजन क्योंकि कपड़े कम है पर गंदे ज्यादा है तो वो 23 मिनट में क्लीन नहीं होंगे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको वो भी ध्यान रखना है कि जो फैब्रिक है वो ज्यादा गंदी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिया स्ट्रॉन्ग जींस, स्ट्रॉन्ग मतलब हेवी क्लॉथ, हेवी क्लॉथ में जैसे बेडशीट है, कर्टन है, सोफे के कवर है, या आपको लग रहा है कि जींस की क्वांटिटी ज्यादा है वो आप स्ट्रॉन्ग में लगा सकते हैं। ये चारों क्लियर सर। प्रोग्राम टू में दिया हुआ है नॉर्मल और जस्ट उसके ऊपर लिखा है प्री वॉश नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और इस नॉर्मल में डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल कपड़ों को 10 मिनट तक सोक करके रखता है,
जब आपको लग रहा है कि कफ कलर क्लीन नहीं हो रहा है और कपड़ों को 10 मिनट सोकिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप ये वाला नॉर्मल यूज कर सकते हैं। अब इसमें चेंज क्या हुआ, मशीन 10 मिनट तक कपड़ों को डिटर्जेंट के साथ सोक करेगी, देन उसके बाद वॉशिंग स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट देखो एक्वा रिजर्व, एक्वा रिजर्व ये भी एक न्यू फीचर है, मतलब नॉर्मली एक प्रकार से वाटर का रियूज करने के लिए दिया हुआ है। जब आपको लग रहा है कि सेकंड वाला वाटर आपको उसको रियूज करना है, उस कंडीशन में आप एक्वा रिजर्व यूज कर सकते हैं। अच्छा। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, मशीन वॉश कर लेगी और रिंस के बाद उस वाटर को स्टोर करके रखेगी, मतलब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि आप उस वाटर को रियूज भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि अदर जो मॉडल आते हैं, जो अदर पुरानी मशीन है उसमें आप वाटर को रियूज नहीं कर सकते, मतलब मशीन ऑटोमेटिक पानी ड्रेन कर देती है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है इसका। अब नेक्स्ट दिया फेवरेट, अब फेवरेट देने का पर्पस ये है कि बाकी जो प्रोग्राम है उसमें तो मशीन सेल्फ ऑटोमेटिक हर कुछ सेट करती है, बट यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से आपको वॉश रिंस और स्पिन का टाइम सेट करना है, तो आप फेवरेट पे जाके यहाँ से वॉश के मिनट सेट कर सकते हैं, रिंस आपको 1 की जगह 2 करना हो या स्पिन मीडियम की जगह हाई करना हो, तो तीनों जो आपने सेटिंग करके स्टार्ट करेंगे तो फेवरेट में वो वर्किंग स्टोर हो जाएगा, मतलब तो यहाँ पे आप सेल पे भी एक प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट दिया टप क्लीन, टप क्लीन भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, आप जैसे डिपेंड करता वाटर पे, यदि बाय चांस बोरिंग का पानी है और हार्डनेस लेवल ज्यादा है तो कंपनी रिकमेंड करती है कि आप मंथ में 1 टाइम टप क्लीन ला के स्टार्ट कर सकते हैं, 1 आवर 44 मिनट की एक टप को क्लीन करने की प्रोसीजर है। अच्छा। तो अंदर जितना भी कैल्शियम है या मशीन यूज होगी तो कपड़ों का मेल भी डिपोजिट होगा, तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। अब टप क्लीन के लिए कंपनी जो रिकमेंड करती है इसका डीस्केलिंग पाउडर आता है, मतलब वो आप परचेस कर सकते हैं, मतलब वो 100 ग्राम का सेस है, जहाँ पे डिटर्जेंट फिल करते हैं वहां पे फिल करके आप टप क्लीन यूज कर सकते हैं। वो क्लियर सर। अब ये तो हो गया ऑटोमेटिक प्रोग्राम, अब जो आपने मशीन लिए ट्विन वन है, मतलब आप इसको सेमी की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैनुअली यदि आपको अपडेट करना है हर प्रोग्राम तो यहाँ पे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंटर है या रेनी सीजन और आपको लग रहा है कि कपड़ों को ओनली ड्राई करना है, तो पावर ऑन करके ओनली स्पिन और देन स्टार्ट। अच्छा। हाँ। कुछ कपड़े ऐसे जो आपने मेट से वॉश करवा चुके और आपको लग रहा है सिर्फ ड्राई करना है तो ओनली आप ड्राई भी स्पिन भी कर सकते हैं। सेम आपको ओनली वॉश करना है तो यहाँ से वॉश के मिनट सेट कर सकते हैं, और रिंस और स्पिन नहीं करना है तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, तो ओनली तो वो ऑफ हो जाए। यस, तो यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं कि मशीन ट्यून बने है, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक प्रोग्राम यूज करना है तो इसके अंदर सेल्फ सेट है, बट आपको सेमी की तरह यूज करना है मैनुअली तो ये मैनुअली भी ऑपरेट तो कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका डिले, डिले मतलब इसमें टाइमिंग डाल सकते हैं कि आपको इतने वर्ष के बाद स्टार्ट करना है। जी जी, तो आपने पावर ऑन किया, प्रोग्राम सेट किया और डिले को प्रेस करेंगे तो मिनिमम 3 आवर्स और मैक्सिमम जितना भी आप डिले देंगे, हाँ आवर्स है सर, ये इतने आवर्स में मशीन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर सर। नेक्स्ट दिया बीपर, ये आप डिले को कैंसिल करना है तो बस पावर ऑफ करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद बीपर, बीपर में आप ये लो हाई भी कर सकते हैं जो बीप आ रही है उसको। अब क्लीनिंग का मैंने आपको बताया टप क्लीन करना है। नेक्स्ट अंदर एक फिल्टर रहता है जो कपड़ों के लिंक रहती है, कपड़ों के अंदर जो रेसे रहते हैं वो उसको कलेक्ट करता है, तो इसको आप वीक में 1 टाइम क्लीन कर सकते हैं। तो ये कपड़ों के स्पेशल रेसे उसको कलेक्ट करने के लिए लिंक फिल्टर बोलते हैं इसको, वीक में 1 टाइम इसको क्लीन कर सकते हैं। दबाते लगेगा, हाँ ये इसे प्रेस करेंगे इजिली लग जाएगा। उसके अलावा एक स्पेशल फीचर इसमें दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टनर डिस्पेंसर दिया हुआ है। सॉफ्टनर डिस्पेंसर मतलब जहाँ पे कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए आप लिक्विड यूज करते हैं, जैसे कम्फर्ट है, बेनिस है, वो यदि आप डालना चाहते हो यहाँ पे लिक्विड फिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल आप देखेंगे लाइट में, तो यहाँ पे लिखा सॉफ्टनर डिस्पेंसर। अच्छा, ये इसमें फिल कर, हाँ इसमें फिल करेंगे ये होल्स में तो डायरेक्टली बेस में जाएगा, मतलब। अच्छा। अब ये फिल कब करना है, ये रिंस के टाइम में जब मशीन कपड़े वॉश करके जब ड्रेन करेगी वाटर और जब वो न्यू वाटर लेगी तो उसमें इंडिकेशन आएगा, बीप देगी मशीन, उसके बाद इसको पॉज करके आप यहाँ पे लिक्विड फिल कर सकते हैं। क्लियर सर। दूसरा, इसमें कुछ कॉमन एरर है जो डिस्प्ले में मशीन शो कर सकती है, मतलब तो सेल पे आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय चांस आप पावर ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं और 15 मिनट के बाद में यहाँ पे 1E लिखा आता है, 1E का मतलब वाटर का एरर, बाय चांस मशीन में वाटर नहीं आएगा तो डिस्प्ले पे 1E शो करेगी। अब वाटर नहीं आने के सिर्फ 2 रीजन रहेंगे, या तो वाटर टैंक में वाटर खत्म हो गया या इसके अंदर यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है। अब बैक साइड एक फिल्टर है, लिंक फिल्टर, आप इसको क्लीन कर सकते हैं, मतलब तो 1E आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा डी, बाय चांस कभी मशीन चल रही है और आपने इसका डोर ओपन कर दिया तो डिस्प्ले पे डी शो करेगा, अब डोर क्लोज कर देंगे तो भी डी नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करना है, 2 टाइम प्रेस करेंगे तो डी और मशीन वर्किंग करना स्टार्ट
करते हैं। तो वन ही आप सेल्फ सेट कर सकते हैं, डी सेट कर सकते हैं। दूसरा ओई, ओई मतलब मशीन वाटर ड्रेन नहीं कर रही है। अब पूर कंडीशन में क्या होता है कि ड्रेन पाइप कहीं से बेंड हो रहा होगा या हाइट का इशू है कि आगे से हाइट ज्यादा है और मशीन नीचे डाउन है, तो भी वो ओई शो कर सकती है। तो उस कंडीशन में आपको ड्रेन पाइप को चेक करना है। यूई, यूई मतलब अनबैलेंस एरर। अनबैलेंस के दो रीजन रहेंगे, या तो फ्लोर अनबैलेंस है या फिर क्लॉथ अनबैलेंस है। अब क्लॉथ अनबैलेंस कब होंगे, जब डेली कपड़ों के साथ आप बेडशीट लोड कर देंगे तो अनबैलेंस की सिचुएशन बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेली जो क्लॉथ है मिक्स कपड़े उनके साथ आपको बेडशीट लोड नहीं करना। जो बेडशीट है यदि सिंगल बेडशीट भी है तो उसको अलग वॉश करना है, और डेली के यदि चार कपड़े भी तो उन्हें अलग वॉश करना। तो ये चार एरर सर आप सेल्फ कर सकते हैं, मतलब क्लियर सर। सर अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप ये डाल रहे हैं जिसके अंदर जीप लगी हुई है, मतलब तो इस टाइप के जो क्लॉथ आप डाले इसके अंदर तो इसकी जीप क्लोज करके ही डालें, मतलब। अच्छा, उसमें वो जीप खराब है। अच्छा ओके, नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि जीप खराब है तो वो एक अलग है, बट यदि जीप कंप्लीट सही है तो आपको जीप को क्लोज करके ही डालना है, ठीक है ना। और इसमें क्या है आपके यहाँ प्रेशर भी अच्छा है, मतलब ये डिटर्जेंट देखिए सर, आप वहां पे डिटर्जेंट फील किया तो उससे क्या हुआ कि डिटर्जेंट ऑटोमेटिकली पूरा अंदर चले जाता है। वो प्रेशर से वाटर आता है तो डिटर्जेंट पूरा मिक्स होकर अंदर चले जाता है, और वही डिटर्जेंट यदि आप डायरेक्टली फील करेंगे तो कपड़ों के साथ रह सकता है, मतलब। अब ये क्या है, जैसे अभी वाटर लेवल आने के बाद में एंटीक्लॉइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स LG टॉपलर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जहां आपने दोस्तों LG की वॉशिंग मशीन के वॉशिंग प्रोग्राम को अच्छे से डिटेल में ज़रूर समझा होगा कि किस वॉशिंग प्रोग्राम से आपको कौन से कपड़े वॉश करना है, साथ में दोस्तों कौन कौन सी सावधानियां आपको रखना है कपड़े वॉश करते समय। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा डिटेल वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और बहुत बहुत खुश रहिए।